Where is the center look? Here is the camera. आज सारे मर्दों को हैप्पी मेंस डे। Yes. Sorry. What? About this award and it's a magazine dedicated to women achievers. What are you saying about it? Firstly, congratulations to the Perfect Woman, India's leading monthly magazine. I think anything for women. मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो मैगज़ीन हो, चाहे उन्हें तवज्जो देना हो, चाहे उन्हें प्यार देना हो, आई एम ऑलवेज फॉर इट। और आज का जो दिन है अपने आप में एक इंटरनेशनल मेंस डे है, एंड वी आर गिविंग लॉट्स ऑफ लव टू वुमेन। आई थिंक आई लव दिस के इन दोनों दिनों को कंबाइन किया गया है। सो कंग्रेचुलेशन एंड वेरी वेरी हैप्पी दैट वी रिसीविंग एन अवार्ड अगेन। मतलब ये पहली बार हुआ है कि म्यूज़िक वीडियो के लिए इतना सारा प्यार मिल रहा है। अभी हमने जो म्यूज़िक वीडियो किया तेरे जिस्म से, इट हैज़ क्रॉस्ड ओवर 6 मिलियन मार्क हार्डली इन लाइक अराउंड 7-8 डेज टाइम। हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इट्स अ लवली सॉन्ग और उसके लिए इतने सारे दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है हमें इस गाने के लिए। ये अवार्ड हमें मिल रहा है, सो इट्स एन ऑनर एंड इट्स अ प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अवार्ड। या गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। दो फिल्में आ रही है, कुतुब मीनार, पाताल पानी। एक इनफैक्ट आज ही हमने एक फिल्म सेंड किया इंटरनेशनल मेंस डे एंड डूइंग अ साउथ प्रोजेक्ट आल्सो। सो गॉड्स ग्रेस, थिंग्स हैव बीन वेरी गुड, टच वुड। हेलो, शी इज द एडिटर ऑफ परफेक्ट वुमन। ओह खुशी, व्हाट अ परफेक्ट वुमन यू आर। एंड आई लव योर बॉडी रिंग गुरु। क्या बात है, ये देखिए, हाय हाय हाय, इंटरनेशनल मेंस डे पे आपने अपने पति का नाम पहना है और वो भी गुरु। यस, हां, आप हो उसके गुरु या वो है आपका गुरु, दोनों एक दूसरे। क्या बात है, दिस इज फैंटास्टिक, सीरियसली दिस इज वंडरफुल टू हैव इट बिकॉज़ द ओपनिंग इज विद हिम। ओह लवली, कम इट्स अनुषा, कम। आप भी बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर लग रही है अनुषा। थैंक यू जी, आपके कलर कोऑर्डिनेशन के। आई नो रियली, वो मेरी नानी का फेवरेट कलर है, खसखसी बोलती हैं वो उसे। आई लव इट, बट कांग्रेचुलेशंस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू दैट आपने परफेक्ट वुमन एक नाम चूज किया है। आपके लिए एक परफेक्ट वुमन क्या है, ये बताइए मुझे। परफेक्ट वुमन तो हर, इट्स ऑल अबाउट द सेल्फ कॉन्फिडेंस। परफेक्ट वुमन किसी चीज़ का डेफिनेशन का मोहताज नहीं है, वो अपने आप में ही जिस तरीके से कहते हैं कि वुमेन एक शक्ति है, नारी है, शी इज अ वॉरियर, शी कैन हैंडल एवरी एस्पेक्ट, वॉट एवर चैलेंजेस आर बीन गिवन टू हर। तो आई फील परफेक्ट वुमन, एवरी वुमन इज परफेक्ट, शी इज परफेक्ट, एंड आई एम श्योर अबाउट योर वाइफ इज परफेक्ट। नो, नॉट ओनली माय वाइफ, मैं तो बोलता हूँ मेरी माँ, सबकी माँ है परफेक्ट, सबकी दादियाँ परफेक्ट है, सबकी नानियाँ परफेक्ट, सबकी बीवियाँ परफेक्ट है, सबकी बच्चियाँ परफेक्ट है। और आज इंटरनेशनल मेंस डे पे हमने ये स्टैम्प कर दिया कि हर एक औरत परफेक्ट है, मेन आर नॉट परफेक्ट। नहीं, ये गलत। देखो, मैंने सोचा था एक ऐसा गूगली क्वेश्चन दो, लेकिन ये इसमें भी पास हो गए। अच्छा, हाउ डज इट फील, योर सॉन्ग इज मेकिंग I'm sorry, I've been this way since a very long time. A lot of people are going my way. I'm kidding, but I like it. You know what? मुझे ये अच्छा लगता है कि see, being bold is an attitude. Yes. कोई भी bold नहीं हो सकता, मतलब कोई bold पैदा नहीं होता है। रणवीर सिंह इज बोल्ड, करण जौहर इज बोल्ड, पूनम पांडे इज बोल्ड, उर्फी इज बोल्ड, यू नो दीज पीपल आर बोल्ड। यू नो इट टेक्स करेज टू ड्रेस लाइक दैट, टू बी लाइक दैट, टू शो योर सेल्फ एंड नॉट केयर अबाउट द वर्ल्ड। You know, that's what. So, and I really appreciate it. Carry yourself like that is also so very difficult. Yes. Huh? Nobody can wear your clothes and get away with it. Yes, nobody can get away with it. Sir, you have something new to do. Every event has a new dress. आप तो आपने अभी देखा है मुझे, आप काश मुझे पहले भी देखती। इट इज़ ऑलवेज बीन, मतलब मैं बचपन से ही
ये सारा श्रेय मैं मेरी परफेक्ट वुमन माँ को देना चाहूँगा. शी यूज टू लव ड्रेसिंग मी. आप मेरे अगर बचपन के कपड़े देखें तो बेल बॉटम्स वगैरह, मतलब मैं बहुत, मतलब शी यूज टू रियली ड्रेस मी अप. शी लव्स ड्रेसिंग. सो आई थिंक वो जो ट्रेट आई है मुझे अपनी माँ से आई है. दैट्स व्हाट. यू आर वेरी अमेजिंग इन द वीडियो एंड यू वेरी मतलब एक्टिंग बोला तो वो होता है एक्टिंग. मजा आ गया आपको देख के. Did you prepare for it or did you no, just no. there? No, no. Prepare? एक दिन में पूरा गाना खत्म करवा दिया मैंने. But I'm so glad, really, you know, thank you so much. आपने you're giving so much of love to this song. We're getting awarded for this song. It's reached 6 million. So thank you so much. Really, really. Sir, आपके audience से क्या कहना चाहिए? यही कहूँगा 6 million को 60 million करें. सिर्फ इस गाने को नहीं, आगे और भी गाने आ रहे हैं, उनको भी फिल्म आ रही है, उनको भी प्यार दें. basically प्यार दें. Yes, absolutely. We may not be perfect like the women, but we are courageous. We are there. Yes, we are there to support. Yes, of course. It is, as it is said, it's not possible for just one gender. It's an equality. Absolutely. So we just have to like keep our hands together and go ahead. You know, we're planning a perfect man cover. अरे ये मत करो, there's no perfect man ever. Just man रख दो. I am silent रखते. हाँ, I am silent रखते. Yes, absolutely. Wonderful to have you. Such a pleasure. Thank you so Please much. Come. Yes. Thank you. Are you? Come. Thank you so much. Thanks. I just want to thank the organizers of Perfect Achievers Award for having me here and giving me this award. Actually, कोई भी award छोटा या बड़ा नहीं होता, award award होता है और हर कलाकार के लिए, हर artist के लिए awards बहुत मायने रखते हैं. मैं झूठ नहीं बोलना चाहती. आपको जब appreciation मिलती है, आपको जब awards मिलते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है. एंड यही एक फैक्ट है. हम इतनी मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ इतने साल मैंने जो मेहनत की है, तो हर अवार्ड मेरे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है. तो आई फील रियली हैप्पी रिसीविंग दिस टुडे एंड आई वांट टू थैंक द ऑर्गेनाइजर्स फॉर गिविंग मी दिस अवार्ड, फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं ज़्यादा और ज़्यादा काम करूँ, ज़्यादा मेहनत करूँ, अपने ऑडियंस को ज़्यादा हंसाऊं और बस खुशी दूं एंटरटेन करके. सो दैट्स दैट. वेल देयर इज अ वेरी एक्साइटिंग न्यूज़ बट अभी मैं नहीं बोल सकती. बहुत टाइम से फिल्म नहीं की है मैंने, जो अब करने जा रही हूँ इस साल. तो फिल्म का नाम और अनाउंसमेंट बहुत जल्दी करूँगी. लेकिन या सो आई एम सुपर एक्साइटेड. आई हैव जस्ट फिनिश्ड अ वेरी सक्सेसफुल शो कॉल कभी कभी इत्तेफाक से ऑन स्टार. वो जस्ट ख़त्म हुआ एंड देन आई हैव टेकन अ स्मॉल ब्रेक फ्रॉम टीवी. आई एम डूइंग दिस शूटिंग फॉर दिस फिल्म एज ऑफ नाउ एंड ऑफ कोर्स वी विल गेट बैक टू टेलीविजन सून, वेरी सून. थैंक यू. हम आपके बगैर इंटरव्यू नहीं देंगे आपका.
खुशी जी के बारे में क्या बोलूँ, ये मेरी प्यारी प्यारी दोस्त है, मेरी जान है. Yes. हम मैं तो बचपन से बड़ी हुई हूँ. हाँ, ये बड़े हुए हैं हमारे सामने बिकॉज शी प्लेड द लीड रोल इन माई फर्स्ट फिल्म. सो आई यू कैन रिलेटेड के कब से मैंने इनको बड़ा होता देखा है. आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ खुशी. आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हर वे ऑफ कंडक्टिंग दिस अवार्ड एंड ब्रिंगिंग वुमेन आउट एंड हैविंग दिस फैशन शो एंड क्राउनिंग वुमेन. आई थिंक सो मैंने कुछ साल पहले जज किया था, आज भी मुझे जूरी के हिसाब से बुलाया है खुशी ने. और कुछ साल पहले कंट्री क्लब में ना हम लोगों ने ये परफेक्ट वुमेन अवार्ड्स किए थे और मैं जूरी थी. और जिस तरह की पूरे इंडिया से वुमेन गर्ल्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ अ साइज शेप हाइट कलर कल्चर she had included in the competition and for the crowning, that said a lot. It said a huge volume. It means a lot. आपको औरतों को motivate करना है and however they are, whatever they are, from wherever they are coming, they are beautiful. They are perfect in their own attire, own life. And with this magazine and with this award, Khushi states it loud and clear. So I'm very proud of her. Thank you so much. Producer also to producer because yes, main producer hu but writer, she's a multi talented person. She's always tied up with some of the other things. These days you will see her fitness freak. So sweet. Yes. Thank you. My new show is coming, Showstopper. Very soon on a OTT platform which I cannot disclose right now because of certain legal things, you know how it is. आज जीनत अमान जी का बर्थडे है तो आज ही मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे उनकी रील डाली है. आई एम बींग शूटिंग विथ हर सिंस लास्ट लाइक फ्यू मंथ्स. और ये शो जल्द ही नेक्स्ट ईयर एक बेस्ट OTT प्लेटफॉर्म पे आने वाला है. जरीना जी हैं, जीनत जी हैं, बहुत सारे दिग्गज कलाकार हैं. Saurabh Jain, he's playing lead. Shweta Tiwari is there and lots of other actors are there. I'm looking forward to this show. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. I think I'm very honored, I'm very grateful. It was lovely meeting them. I think मैं आज पहली बार मिली हूँ और बहुत प्यारे लोग हैं. एंड मैं बोल लूँ या बीच में मैम मैम करेंगे? तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है. एंड या परफेक्ट अचीवर. आई थिंक वंस यू एक्सेप्ट योर सेल्फ फॉर हु यू रियली आर विद योर फ्लॉज एंड imperfections, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट अवार्ड फॉर anybody. बट दिस फील्स fantastic and this is so heavy, like this feels like kya hai kuch. ha madam sir hoti to kis tarah se award leti to unke style mein kuch ho jaye shayad hi to banti hai nahi abhi to I think wow I think aaj ye enjoy sirf gulki karne wali hai. So thank you for that and yeah, thanks a lot, take care, bye bye. No, 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 no
Yes, hi, hello, कैसे हैं आप सब लोग? Yes. Oh, I just came on the cover of Perfect Woman magazine for this month, and it feels honor that she is a lovely human, and you know, she's encouraging people, the girls who are really doing great in their fields, and this award which I've got is for Best Actress on OTT and Style Icon plus the Style Icon. So I'm really glad that people are really loving Tu Zakhm Hai and people are loving my character of Kavya, which I've played, and it was really hard, but you know, when you get awarded for different your work, and I think it's very fulfilling after that. So I'm really happy that I've got the award for the work which I've done, and thank you for always you know, marking me as Style Icon. Thank you for that. एक साउथ फिल्म है, अभी जब रिलीज होगी, जब होगा तब बताना, मेरे ख्याल से बेटर रहेगा. सो दैट्स देयर. एनीथिंग एल्स? थैंक यू, बाय. Perfect Woman go back a long way, and I've been a part of a lot of their events. I've written for their magazine, and I've also featured on their cover, so twice, I think. So it's always a pleasure to associate and collaborate with them. And today I'm a jury member at the Perfect Mrs. India pageant here today. And I'm very excited for the girls to reproduce what I taught them in the workshop yesterday. So here's hoping they'll put their best foot forward. Yeah, as far as I'm concerned, it's a bit of a comeback to acting. I used to do a lot of theatre with Alec Padamsi and Gary Richardson. And unfortunately, Alec is no more and Gary has migrated back to America. So I recorded a monologue recently and I uploaded it on my Instagram, which is Pooja, What Is This Behavior 2022. If you're not following it, you're missing out. So I got like an amazing response of 1 lakh views within 24 hours. So everybody really does want to see me get back to acting. So I'm currently working on a short film, which I hope to screen at international film festivals. I have a music video coming up, and I also have an interesting web series, which is in the pipeline. So yeah, those are some of the projects I'm currently working on. Did you click the picture? Who did I give my call to? Come. I mean, it's actually the Perfect Woman Award, but they're also giving Perfect Achievers, and they're giving me this award for, you know, iconic versatile actor. I don't think I'm that versatile, and I'm life mein bahut kuch achieve karna hai. But I can only be thankful that I've got it. That's it. सब जानते हैं, मतलब लॉकडाउन के बाद तो हमको मालूम ही है कि आज की डेट में ये एटलीस्ट छोटे शहर के कलाकारों में ये हिम्मत है कि हम आके यहाँ काम करें, और अगर काम नहीं भी कर रहे हैं यहाँ पे, एटलीस्ट अपने शहरों में, अपने गाँव में, अपने तहसीलों में लेके अपने ऑडिशन, अपने वीडियोज भेज सकते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स को. कास्टिंग डायरेक्टर्स की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, तो वो एक अच्छी बात है. मतलब मेरे को लगता है कि अच्छा ही है. मेरा शो तो चल ही रहा है दंगल पे.
इंडिया सरकार, एमएक्स पे मेरा अभी वेब सीरीज लॉन्च हुई है जख्म, अभी राणा नायडू आएगा नेटफ्लिक्स पे, अम्मा आएगा वूट पे, विक्रम भट्ट की 1920 थर्ड पार्ट है। थैंक यू। ओके, या सो सबसे पहले तो परफेक्ट अचीवर्स अवार्ड के पूरे टीम को, ऑर्गेनाइजर्स को मैं थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिसके लिए मुझे अवार्ड दिया गया है वो मेरा अभी एक शो आया है Z5 पे मुखबिर, उसके लिए मुझे ये बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल के लिए अवार्ड दिया गया है। मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अपने मेकर्स को, अपने प्रोड्यूसर्स को, सबों को बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहता हूँ उस रोल के लिए, कास्ट करने के लिए मुझे, और इतना अच्छा मौका देने के लिए जिसके लिए मुझे इन लोगों ने रिकग्नाइज़ किया। शिवम नायर उसके शो रनर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर जो हैं, उन लोगों सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू। देखिए, अभी मैंने एक बात बोली है कि ये कोइंसिडेंस है कि 12 साल आज मैगजीन को कंप्लीट हो रहे हैं और 12 साल के बाद हमने शादी की है, तो कोइंसिडेंस है। और कोई भी सम्मान मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है, और थैंक यू मैगजीन वालों को, थैंक यू अनुषा जी को, ये तो फैमिली के पार्ट हैं कि जो ये सम्मान मिला यहाँ पे, तो मैं कह रहा हूँ कि अपने आप में एक अच्छी फीलिंग होती है जब भी आपको कोई सम्मान मिलता है। तो क्या बोलें, अभी संग्राम जी ने बोल दिया है, तो यू हैव टू, इट्स माय टर्न टू स्पीक। मैं एक अच्छी आदर्श बीवी की तरह इनको पहले बोलने दे रही हूँ, क्योंकि हमें आज पावर कपल का अवार्ड मिला है, कपल का अवार्ड मिला है। सो ऑल आई वांट टू से इज वेरी वेरी थैंकफुल, वेरी वेरी ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फंक्शन एंड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन हु इज फेलिसिटेटिंग अस, बिकॉज अवार्ड एप्रिसिएशन का अच्छा लगता है, और पावर कपल ये एप्रिसिएशन बहुत ही ज़्यादा नई है और बहुत ज़्यादा अच्छी है। बात तो सही है, चलो थैंक यू। के मैंस डे आज, तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि हर दिन वुमेंस डे और हर दिन मैंस डे, आई बिलीव इन जेंडर इक्वालिटी, बट हम इस दुनिया में हैं जहाँ पर हम एक दो दिनों को काइंड ऑफ यू नो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि ये विमेन डे है, ये मैंस डे है, बट आई एम वेरी हैप्पी कि विमेंस डे के साथ साथ आज मैंस डे भी मनाया जा रहा है, बिकॉज आई बिलीव इन जेंडर इक्वालिटी। देखिए भैया, नेता वाली स्पीच नहीं है, बाकी क्यों आपकी स्पीच हमारी स्पीच नेता वाली स्पीच। हाँ, जेंडर इक्वालिटी, बाकी क्या है कि जो भी हम ये सोचते हैं कि अचीवर को अवार्ड मिलता है, अचीवर सब हैं, अचीवर हर वो इंसान है जो अपने आप में बिलीव करता है। अवार्ड लेना, मेडल जीतना, ट्रॉफी जीतना खाली वो अचीवर नहीं है, जो लगातार कोशिश करता है सब अचीवर है। तो बस आप कोशिश करते रहो, जो आपके सपने हैं उनको देखते रहो, और एक अच्छे इंसान बन के उनका पूरा करने की कोशिश करते रहो, इससे बड़ा तो कोई अचीवमेंट है ही नहीं, और फिर ऊपर से अवार्ड तो मिलते ही रहते हैं। थैंक यू सो मच। I was just right now in IIM Rohtak, मैं एक TEDx की स्पीकर थी,
एंड मैं वहाँ पर अपनी जर्नी शेयर कर रही थी एंड द थीम वॉज वन स्टेप फॉरवर्ड. तो इस थीम के अनुसार मैं भी अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स वन स्टेप फॉरवर्ड ले रही हूँ, क्योंकि हमारी शादी हो गई, हमारे 4 रिसेप्शन हो गए, तो अभी हमें काम करना है. बिकॉज बेसिकली हम दोनों यू नो वर्कोहॉलिक पीपल है, हम काम पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं. सो आफ्टर दिस नाउ आई लेट यू नो एज आई फाइनलाइज व्हाट इज़ माय नेक्स्ट थिंग. बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है, मगर अभी बता नहीं सकते कि कॉन्ट्रैक्ट के उसमें हैं, हम दायरे में हैं, तो जल्दी आप सबके साथ रिवील करेंगे. थैंक यू. एक है ना मेरे फोन से लेना जेंडर इक्वालिटी. अब एक